ड्रग्स पेडलर्स करीब 11 लोग पकड़े गए हैं, ब्लैक टिकटिंग 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अनऑथराइज वेंडर्स 724 लोगों को पकड़ा गया है। हेल्थ की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे अस्पताल वैक्सीनेशंस कर रहे हैं और करीब 78,000 लोगों का वैक्सीनेशन हमारा हुआ है, जिसमें 30,000 रेलवे में। हम लोग इससे भी वाकिफ हैं कि स्टेशन पर जो ट्रेन में यात्री सफ़र कर रहे हैं या स्टेशन पर जो आ रहे हैं उनमें भी हम जागरूकता फैलाएं कि वो मास्क पहने, और उसी ड्राइव में हमने पेनलाइज करके लोगों पे फाइन लगाया है। वहाँ पर हमने प्लेटफॉर्म टिकट्स के मूल्य पहले से ज़्यादा रखा हुआ है। 30 रुपया का दर 21-22 के पहले 6 महीने में 2.2 मिलियन यूनिट्स का जनरेशन हुआ, जो कि पिछले साल इन 6 महीनों में अर्जित यूनिट्स से करीब 18% ज़्यादा था। 11 ट्रेनों को हमने डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर स्विच ओवर कर दिया है, इससे भी एक तो हमारी सेविंग होती है। पहले 6 महीने जो इस साल के गुजरे हैं उसमें कुछ पीरियड कोरोना का था, लेकिन उसके बावजूद हमारी उपलब्धियां अच्छी रही हैं। सेफ्टी फ्रंट पे किसी भी कोचिंग ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का कोई छोटा या बड़ा हादसा नहीं हुआ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंक्चुअलिटी पे जो प्री कोविड टाइम से अब हमारी 100% इम्प्रूव कर गई है। प्री कोविड टाइम में रफली 46% हम पंक्चुअलिटी अचीव करते थे, जो कि अब 92% के करीब चल रही है। ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग में हमारी 38% की बढ़ोतरी हुई है। 2.05 पिछले साल 6 महीने में हुई थी लोडिंग, 2.05 मिलियन टन, जो कि बढ़ के 2.83 मिलियन टन इस 6 महीने में हुई है। टोटल अगर अर्निंग की बात करें तो 236 करोड़ से बढ़ के हमारी आय 716 करोड़ इस 6 महीने में हुई है। सर एक सवाल है, जैसे कि बताया कि थर्ड वेव के प्रति हम लोग सब सजग हैं। कानपुर हॉस्पिटल में हम लोगों ने 250 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगा लिया है और 950 LPM का ऑक्सीजन प्लांट हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल प्रयागराज में लगाने जा रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक कमीशन हो जाएगा। लोकल व्यापारियों के लिए जो पार्सल होम डिलीवरी की जाएगी।